अगर स्टॉक स्प्लिट हो रहा है तो ये प्राइस वेटेड इंडेक्स का वैल्यू कैसे चेंज होगा या फिर कैसे हम लोग को एडजस्टमेंट करना रहेगा वो अपने समझेंगे सो फॉट इज स्टॉक स्प्लिट से फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एम का जो स्टॉक है वो सेवेंटी थाउजेंड पर ट्रेड कर रहा है तो एक स्टॉक सेवेंटी थाउजेंड का है अगर कंपनी अनाउंस करती है कि हम वन फॉर टू का स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं मतलब हमारे पास टेन थाउजेंड टोटल स्टॉक्स थे शेयर्स थे वो अब ट्वेंटी थाउजेंड हो जाएंगे बट जो टोटल वैल्यू रहेगी वो सेम ही रहेगी सो so, अगर एक स्टॉक पहले सत्तर हजार का था तो अब एक स्टॉक थर्टी फाइव का हो जाएगा क्योंकि वन फोर टू का स्प्लिट है और दो स्टॉक की वैल्यू आज भी सेवेंटी ही रहेगी सो वन स्टॉक वन स्टॉक ऑफ नाउ वी हैव टू स्टॉक्स ईच ऑफ सो सो जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो अगर वन फॉर टू का है तो एक स्टॉक की वैल्यू सेवन थाउजेंड थी अगर वन फॉर टू का है तो दो स्टॉक हो जाएंगे पर स्टॉक की वैल्यू थर्टी फाइव रहेगी तो ओवरऑल वैल्यू अभी सेवेंटी थाउजेंड ही रहेगी बहुत सारी कंपनीज ये करती है जिन भी कंपनीज का शेयर प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है वॉट द डू इज डू स्टॉक स्प्लिट सो दैट वन द प्राइस कम डाउन एंड द नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीजेज देर आर मोर पीपल हु कैन पार्टिसिपेट इन बाइंग एंड सेलिंग द पर्टिकुलर स्टॉक विच हेल्प टू इंक्रीज द लिक्विडिटी फॉर द कंपनी सो दैट इज वेरी मच नेसेसरी अभी रिसेंट में टेस्ला ने भी किया था अगर आप लोग को पता हो तो, तो ये स्टॉक स्प्लिट की वजह से प्राइस वेटेड इंडेक्स को कैसे एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू पे तो फर्क नहीं आना चाहिए क्योंकि खाली स्टॉक स्प्लेट ही तो इंडेक्स की वैल्यू पे तो फर्क नहीं आना चाहिए तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है कैसे होगा वो अपने समझते हैं से फॉर एग्जाम्पल थर्टी दिसंबर को ये स्टॉक के प्राइस है और फर्स्ट जनवरी को कंपनी ने अनाउंस किया कि जो सी कंपनी ने अनाउंस किया कि उसका जो स्टॉक है वो टू रेशन के रेशियो में स्प्लिट हो जाएगा तो एक स्टॉक की प्राइस अब फोर्टी फाइव डॉलर हो जाएगी पहले नाइन्टी थी right. तो पहले एक की नाइन्टी थी अब दो की मिला के नाइन्टी होगी और एक स्टॉक की वैल्यू फोर्टी फाइव हो जाएगी सो इन दिस केस शुड देर बी एडजस्टमेंट इन द इंडेक्स वैल्यू और इंडेक्स का वैल्यू सेम रहेगा या फिर किस चीज में हम एडजस्टमेंट करेंगे वो अपने समझते हैं सो से फॉर एग्जाम्पल अपने थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड सिक्स को इंडेक्स का वैल्यू निकालते हैं इंडेक्स का वैल्यू आएगा टेन प्लस ट्वेंटी प्लस नाइन्टी डिवाइड बाई थ्री सो दैट वुड बी वन ट्वेंटी डिवाइड बाई थ्री दैट वुड बी फोर्टी सो इंडेक्स का वैल्यू कितना आ गया फोर्टी का इंडेक्स का वैल्यू आ गया और नाओ फर्स्ट जानवरी को जब स्प्लिट हुआ है देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है क्या स्टॉक के प्राइस में कोई चेंज आया है नहीं सिर्फ एक स्प्लिट हुआ है तो स्प्लिट की वजह से इंडेक्स के वैल्यू को फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसलिए मैंने इंडेक्स का वैल्यू अभी भी क्या लिखा है फोर्टी पर मेरे प्राइजिज क्या है टेन ट्वेंटी एंड फोर्टी फाइव तो वो जो इफेक्ट का चेंज लेगा वो कौन कंसिडर करेगा वो जो डिनोमिनेटर है हमारा उसको एडजस्टमेंट इसका लेना पड़ेगा तो इसलिए मैं नया डिनोमिनेटर फाइंड करूंगा करंट डिनोमिनेटर को तो मैं एक्स ले लूंगा ठीक है क्योंकि पहले तो तीन स्टॉक थे तो तीन स्टॉक के हिसाब से वो डिवाइड करके वैल्यू आ गई थी बट अब नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं वो स्प्लिट होने के बाद वो एडजस्टमेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा इंडेक्स की वैल्यू को मैं चेंज नहीं करूंगा अगर मैं सिंपली टेन प्लस ट्वेंटी प्लस फोर्टी फाइव डिवाइड बाई थ्री कर दूंगा तो इंडेक्स का वैल्यू भी कम हो जाएगा बट दैट शुड नॉट हैपन बिकॉज पे सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक स्प्लिट हुआ है और उसका एक्चुअल में प्राइस आधा नहीं हुआ है सो वी नीड टू कैलकुलेट दैल्यू ऑफ एक्स दैट वुड बी कैलकुलेटेड ट्वेंटी प्लस डिवाइड बाई 40. सो so x का वैल्यू आएगा हमारा लेटेस्ट कैलकुलेट टेन प्लस ट्वेंटी प्लस फोर्टी फाइव डिवाइड बाई फोर्टी सो दैट वुड बी वन पॉइंट एट सेवन फाइव तो ये मेरा नया डिनोमिनेटर आ जाएगा ऑलरेट ये मेरा नया डिनोमिनेटर आ जाएगा इस डिनोमिनेटर में मैंने स्टॉक स्प्लिट का जो असर है वो एडजस्ट कर दिया है ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक अराउंड फॉर द मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स उस केस में आपको स्टॉक स्प्लिट का कुछ असर एडजस्ट खुद से नहीं करना है द रीजन वाई यू डोंट हैव टू एडजस्ट इन इन मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स इज बिकॉज मार्केट कैप तो कंपनी का सेम ही रहता है अगर पहले 100 स्टॉक्स थे पचास रुपए पे तो मार्केट कैप था पांच right. हजार तो तो ही रहेगा so right. क्योंकि जो वैल्यू रहती है वो तो सेम ही रहती है यहाँ पे जितना नंबर ऑफ स्टॉक्स में फर्क आता है उतना का उतना प्राइस में आ जाता है तो वो मार्केट कैप पे तो कोई असर उसका आता नहीं है इसलिए इन द केस ऑफ मार्केट कै वेटेड यू नीड नॉट एडजस्ट फॉर स्टॉक स्प्लिट बिकॉज दैट एडजस्टमेंट हैपेंस ऑटोमेटिकली इक्वल वेटेड में आपको अगेन मेक श्योर करना है कि इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज गेटिंग इन्वेस्टेड सो इक्वल वेटेड इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है, है जहाँ पे इवन दो वी वी आर नॉट कंसिडरिंग स्टॉक स्प्लिट वहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स होने हैं वो रेगुलरली करते ही रहने बिकॉज इक्वल वेटेड इंडेक्स में होता क्या है uh, जैसे ही शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं वेट्स चेंज हो जाते हैं मे बी हमने स्टार्ट किया हो इक्वली इक्वल वेटेड से बट जैसे शेयर प्राइस का ऊपर नीचे मूवमेंट आता है तो वेट्स चेंज हो जाते हैं तो अगेन यू नीड टू रीबैलेंस बैलेंस अब आप टाइम पीरियड्स हो सकते हो कि आपको मंथली रीबैलेंस करना है क्वार्टरली करना है बट दैट रीबैलेंस मस्ट बी डन इन एन इक्वल वेटेड इंडेक्स हाउ एवर वी आर गोइंग टू सी अ कंपेरिजन एनालिसिस ऑफ ऑल द थ्री मेथड्स कि तीनों मेथड्स का इंडेसिस कैसे बनता है और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है उसमें हम इस चीज को वापस डिस्कस करेंगे बट येस नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ स्टॉक स्प्लिट्स Uh, have to be taken into consideration while we are talking about the price weighted index.